अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश लर्निंग और नेक्स्ट लिटरेरी टर्म के साथ आपके सामने वेरी इंपॉर्टेंट टर्म और बहुत ज़्यादा यूज़ की जाने वाली और बड़ी आप कह लें कि लिटरेचर का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस यौनरा पे डिपेंड करता है इस काइंड पे डिपेंड करता है पोइटरी की इस किस्म पे डिपेंड करता है दैट इज़ एपिक जी आज हम एपिक डिस्कस करेंगे Uh, जरा वास्ट टर्म है थोड़ा कॉम्प्रीहेंसिव इसका कॉन्सेप्ट है एपिक क्या है एपिक बेसिकली पहली तो ये एक बता दूं कि एक पोइट्री की शक्ल है अलॉन्ग वर्स नैरेटिव, एक लंबी पोएमे नैरेटिव फॉर्म में ऑन अ सीरियस सब्जेक्ट सीरियस सब्जेक्ट टोल्ड इन अ फॉर्मल एंड एलिवेटेड स्टाइल एंड सेंटर्ड ऑन हीरोइक और को डिवाइन फिगर एंड हुज़ एक्शंस डिपेंड्स ऑन द फेट ऑफ अ ट्राइब अ नेशन और द ह्यूमन रेस सो बेसिकली ये एक कहानी है ये एक टेल है ये एक थीम है ये एक सीरियस थीम है और ये एक डिवाइन लेवल का थीम है और ये पोइटिक फॉर्म में लिखा जाएगा एलिवेटेड एक ग्रैंड स्टाइल में लिखा जाएगा और ग्रैंड स्टाइल में लिखा जाएगा और इसका जो ताल्लुक़ है वो इंसान की आप कह लें कि आफाकी एलिमेंट के साथ इसका ताल्लुक भी हो सकता है या इंसान की पूरी नस्ल के साथ इसका ताल्लुक हो सकता है या पूरी कौम के साथ ताल्लुक हो सकता है तो ये एक बहुत बड़े लार्जर या एक यूनिवर्सल स्केल के साथ डील करने वाला पीस ऑफ आर्ट होगा जो पोइटिक शक्ल में लिखा जाएगा तो ये एक लंबी पोइम होगी जिसके थीम्स जिसका स्टाइल जिसकी आ, सेटिंग और जिसके एक्शंस वो सब के सब बड़े यूनिवर्सल और बड़े ग्रैंड किस्म के होंगे Uh, कुछ इसके इंग्रेडिएंट्स हैं जिनकी वजह से ये एपिक uh, जो है वो ये सब कुछ बनती है जो मैंने आपके सामने बताया वो इंग्रेडिएंट्स क्या हैं सबसे पहले तो ये कि इसमें एक हीरो का कॉन्सेप्ट है दैट हीरो मे बी अ ग्रैंड फिगर दैट हीरो मे बी अ डिवाइन फिगर मिल्टन की पैराडाइज लॉस देखिए उसमें सेटन का जिक्र है उसमें गॉड uh, का जिक्र है उसमें एडम का जिक्र है उसमें ईव का जिक्र है सो so, इन से बड़ा डि सेटन uh, के जो उसके सेकंड इन कमांड और उसके जो फॉलन एंजल्स हैं ये उनका जिक्र है तो ये सारी ही ग्रैंड फिगर्स हैं इनसे बड़े और कोई ग्रैंड फिगर और हो नहीं सकते तो इसका एक हीरो होता है जिसको द वन हु गोज थ्रू डिफरेंट बैटल्स एंड एडवेंचर्स एडवेंचर से गुजरता है ये उसी की कहानी है उसकी सफ़रिंग की कहानी है उसके टेस्ट एंड ट्रायल की कहानी होती है और वो बहुत मज़बूत कैरेक्टर होता है ग्रैंड कैरेक्टर होता है और ये उसकी एक लॉन्ग बैटल्स की कहानी होती है तो पहली जो इसमें एक चीज़ इन्वॉल्व होगी दैट इज़ अ ग्रैंड एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग हीरो सेकेंड इज़ द एक्शन एक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है एक्शन किस बात पे होगा एक्शन एक डिवाइन सब्जेक्ट पे होगा uh, जैसे आप पैराडाइज लॉस की बात करें तो एक्शन क्या है एक पहले एक, एक इंसान की डिसोबीडियंस uh, की बात की गई मिल्टन ने बात की है जीसस uh, क्राइस्ट का जिक्र आया है और फिर इंसान की डिसोबीडियंस के नतीजे में जो एक्शन हुआ इंसान को ज़मीन पर उतारा गया फिर सेटन की डिसोबीडियंस टू तो गॉड तो ये सारे के सारा जो एक्शन है ये अपनी जगह पे एक बहुत बड़ा ग्रैंड एक्शन होगा और बड़ा कॉम्प्रीहसिव एक्शन होगा विच वुड बी इनफैक्ट यूनिवर्सल इन नेचर सेटिंग जो जहाँ पे ये पूरी की पूरी कहानी ये पूरा एक्शन परफॉर्म होगा ये पूरी वर्ल्ड भी हो सकती है ये एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट भी हो सकता है एक पूरी आप कह लें कि एक पूरा कंट्री हो सकता है एक पूरा ट्राइब हो सकता है तो इसकी सेटिंग एक बहुत बड़ा जगह होगी जहाँ पर ये परफॉर्म किया जाएगा सेरिमोनील या ग्रैंड स्टाइल में लिखी जाएगी इसकी लैंग्वेज इसकी सिमिलीज इसकी मैं सिमिलीज के बारे में बता दूं जो इसमें यूज होती है उसके बारे में वर्ड लगता है एपिक सिमिलीज तो एपिक सिमिलीज वो होती हैं जो इस स्टाइल को सूट करती हैं उसका लैंग्वेज इसका, इसका स्टाइल और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब ये पोइम लिखी जाती है लॉन्ग डरेटिव तो इसका बाकायदा एक स्ट्रक्चर होता है इसमें एक प्रॉपर बिगिनिंग होती है इसमें एक इन्वोकेशन होती है टू द होली बीग्स के लिए फिर इसकी एक प्रॉपर मिडल होता है उसके बाद फिर इसकी एक एक, एक, एक क्लाइमेक्स एंटी क्लाइमेक्स तक जाती है उसके बाद इसकी एक, एक एंडिंग होती है तो अगर आपने ये कोई लेक्चर ऐसा सुना हो कि जिसमें इससे पहले मैं बता चुका हूँ आरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रैजडी तो बेसिकली जो एपिक है ये भी ट्रैजडी से मिलती जुलती है लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है कि जो ट्रैजडी है ट्रेजडी ड्रामेटिक फॉर्म में होती है और एपिक जो है ये नैरेटिव फॉर्म में होती है पोइटिक्स फॉर्म में होती है नैरेटिव फॉर्म में होती है तो ये इसका जो स्टाइल है जो इसकी सिमिलीज या इसका जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल इन तमाम चीज़ों के साथ सूट करता हुआ होना चाहिए सुपर नेचुरल का जैसे मैंने बताया गॉड्स गॉड्स एंड गॉडिसिस का जिक्र हो सकता है किसी मिथोलॉजी में इंसान गॉड और उसके फॉलन एंजल्स का जिक्र है तो ये एक बहुत बड़ा इसमें रोल होता है बड़े बड़े एपिक राइटर्स में अगर मैं आपको दिखाऊं तो आ, आप ग्रीक पीरियड से ऑनवर्ड देखिए तो होमर वर्जिल होमर की ओडिसी वर्जिल की एनीड, दांते दानते की डिवाइन कॉमेडी स्पेंसर की द फेरी क्वीन और मिल्टन की लेजेंडरी द पैराडाइज लॉस्ट तो ये बहुत बड़े बड़े uh, वो हैं एपिक राइटर्स हैं जिन्होंने इस यौनब्रा को परफेक्शन तक ले के गए सो एपिक ऑल इन ऑल इज़ बेसिकली सच अ पोइम विच इज़ लॉन्ग नैरेटिव पोइम जिसके ग्रैंड लैंग्वेज ग्रैंड थीम ग्रैंड कैरेक्टर्स ग्रैंड सेटिंग विद ए टच ऑफ सुपर नेचुरल बींग और इसका जो फोकस है वो हो सकता है कि होल ह्यूमैनिटी हो